आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके चलते सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन और भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए साधारण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी बीच अलीगढ़ के छर्रा गांव में एक कपल ने सोशल डिस्टेंस रखते हुए शादी की। इस शादी में खास बात यह रही कि बिना मेहमानों के शादी की रस्में पूरी हुई। लड़का और लड़की पक्ष से सिर्फ चार चार लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन में दूल्हे ने अपनी शादी पर कहा कि शादी में होने वाला खर्च जो बचा है उसकी राहत सामग्री जरूरतमंदों को बांटी जाएगी। अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर छर्रा के गांव रुखाला में अवधेश सिंह गाजियाबाद के मोदी नगर से चार लोगों के साथ अपनी बारात लेकर पहुंचे। लड़की पक्ष की ओर से मौजूद चार लोगों ने बारातियों का स्वागत सत्कार किया। दोनों दूल्हा दुल्हन ने फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए शादी की सभी रस्मों को पूरा किया। मुंह पर मास्क लगाए दोनों वर वधू ने साथ फेरे लिए, जिसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर ले गया। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश जी, बताइए आज किस तरह से शादी हुई है आपकी? शादी लॉकडाउन का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए की गई है। रूल्स और रेगुलेशन सारे अप्लाई करे गए हैं। कहाँ से आई है बारात आप? गाजियाबाद से। किस तरह से आया? पूरा पास वगैरह? पास बनवा के आए। कितने लोग आए हैं? चार। अच्छा, ये बताइए क्या सोचा था आपने अपनी शादी को लेकर के, क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग तो थी, पहले जनवरी से डिसाइड कर लिया था कि 27 अप्रैल को करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेंटेन करके चलना पड़ा, सब कुछ हिसाब से करना पड़ा। गेस्ट हाउस वगैरह भी बुक किया था? हाँ, सब कुछ किया था, सबकी बुकिंग हो चुकी थी। अब किस तरह से शादी करते हैं? लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बस वर वधू की तरफ से चार पाँच लोग इकट्ठे, पाँच से चार उनकी तरफ से, चार हमारी तरफ से, इस तरह से शादी लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए। जो शादी का खर्चा आपको बचा है वो क्या करेंगे? उन्हें गरीबों के लिए खाना वगैरह करा देंगे उसका।